महाकाल महाराज की कृपा से पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी वर्षा हुई है। नदी नाले बांध तालाब सब भर गए हैं। मैं महाकाल महाराज को प्रणाम करता हूं, उनकी कृपा बनी रहे। नर्मदा जी और उनकी सहायक नदियों के कैचमेंट इलाके में भारी बारिश के कारण बांध सारे भर गए हैं और इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, बरगी, तवा उनके गेट खुल गए थे, जिसके कारण नीचे विशेषकर खरगोन बड़वानी जिले में, खंडवा जिले में, नर्मदा जी में जल स्तर काफी बढ़ा है। महेश्वर, मंडलेश्वर में पानी शहर में पहुंच गया था और इसलिए हमने सबको सतर्क किया है। सारे कलेक्टर्स, कमिश्नर्स स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। अभी हमने ओंकारेश्वर के पानी के निकास को कम किया है, डिस्चार्ज को कम किया है, जिसके कारण ओंकारेश्वर और नीचे बड़वा और बाकी स्थानों पर भी अब जल स्तर या तो स्थिर है या घट रहा है। हम पूरी तरह से सतर्क और सावधान हैं। मैं स्थिति पर नजर रखे हुए हूं। रात को 1 बजे फिर मैं रिव्यू करूंगा स्थिति। हमारे प्रभावित क्षेत्रों के भाई और बहन चिंता ना करें, उनकी सुरक्षा के संपूर्ण उपाय किए जा रहे हैं। बारिश के कारण ओंकारेश्वर में 18 तारीख को आचार्य भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम को स्थगित किया है, ताकि प्रशासन पूरी सजगता के साथ लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दे। प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम अब 21 सितंबर को किया जाएगा। तब तक ओंकारेश्वर में चल रहे अनुष्ठान इत्यादि जारी रहेंगे। 21 तारीख को कार्यक्रम संपन्न होगा। मैं लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हूं। सारा प्रशासन सजग और सतर्क है। हम अपने भाई बहनों को सुरक्षित रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।